हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। 14 अगस्त गुजर गई है, आपको बताएगा कि आप सबकी 14 अगस्त कैसी गुजरी है। मेरी 14 अगस्त तो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी है। मेरे पार्टी से मेहमान आए हुए थे हमारे घर पर, मेरी तबीयत तो थोड़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी अच्छी गुजरी। तो जी आज मैं बनाऊँगी वही फ्राई वाले करेले। पहले करेलों को फ्राई करते हैं, फिर उसका मसाला बनाते हैं। करेले छीनने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से दफ़ा वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको नमक लगा के रखा था, नमक लगाने के आधे घंटे के बाद फिर मैंने दोबारा से वॉश कर लिया था। अब मैं इसे फ्राई करूँगी करेलों को, ठीक है? तो फिर मेरे साथ जुड़े रहें, कहीं मत जाइएगा। एक कप मैंने तेल दिया था, उसके अंदर मैंने करेले डाल दिए। मुझे बहुत जल्दी करेले फ्राई करने हैं। एक करेला हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है? इसका कलर चेंज कर लें करेलों का। हमें पकौने के अंदर एक कप ऑयल लिया है। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज जो है मेरे पास वो 3 से 4 मीडियम साइज की, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब तक प्याज सही होते तब तक मैं आपको दिखाती हूँ हमारी करेले की किस तरह से फ्राई है। और बाकी करेले यहाँ पे हैं फ्राई हुए। प्याज का कलर चेंज हो गया, प्याज लाइट ब्राउन हो गई। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। नमक, गरम मसाला, जीरा, कुटी हुई मिर्च, हल्दी। इसके साथ ही मैं लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी। लहसुन का पेस्ट जो है मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। अब मैं इसे ताजे दोनों भी सारे मसाले में उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। मसाले हमारे सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए, अब इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। प्याज की मेरे पास 3 से 4 मीडियम साइज की, टमाटर में 3 मीडियम साइज की। मैंने इसको अच्छी कट कर दिया। इसका जितना देर भूनूंगी उसके बाद फिर मैं इसको 10 मिनट के दम पे छोड़ दूंगी। करेले जो मैं लास्ट में ऐड करूंगी। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं, पानी ड्राई हो गया, रोटी जो है सब साइड के ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी करेले जो मैंने फ्राई किए थे। मैंने करेले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें लास्ट ऐड करूंगी इमली का पल्प। उसके बाद हमारे मसाले करेले तैयार हैं। ये मज़ेदार करेले मेरे तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, तो आपके करेले भी इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। सॉरी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मैं ये वाली बात भी कहूँगी कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। प्लीज़ आगे भी मुझे आप लोगों से इसी प्यार और सपोर्ट की उम्मीद है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, पसंद कर रहे हो, मेरी रेसिपी देखते हो, शेयर करते हो। बस ये सब कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बंदे को उठते बैठते कि बस अल्लाह ताला ने इतना प्यार दिलवाने वाला था लोगों से। और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे रहे हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी तरफ से। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।